अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। अच्छा जी, तो आज ही चिक माशाल्लाह कुछ 25 दिन का हो गया, और जैसे आप देख सकते हैं इसकी टेल के जो फेदर्स हैं वो कुछ थोड़े से ग्रो किए हुए हैं। ये मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी टेल के जो फेदर्स हैं वो कुछ आपको बढ़ते हुए फील हो रहे होंगे, और अभी इनकी मज़ीद ग्रोथ होनी है। ये भी पूरे प्रॉपर ग्रो हुए नहीं है। इसी तरह इसके जो फुट फेदर्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह से। और ओवरऑल जो चिक की बॉडी के ऊपर जो येलो फेदर्स है, मैंने आपको दिखाया था पहले भी कि वो तकरीबन सारे गिर गए हैं। सिर्फ इसके सर के ऊपर, क्रेस्ट के ऊपर, इसकी गर्दन की बैक पे थोड़े बहुत रह गए। तो ये भी आज मुझे कंपैरेटिवली काफ़ी कम फील हो रहे हैं। अच्छा, आज देखते हैं कि आज इसको अगर हम बाकी बड़े फेंटेल्स के साथ छोड़ते हैं और दाना डालते हैं तो आज इसका क्या रिएक्शन होता है। बाकी बर्ड्स आ रहे हैं नीचे, ये हमारा चिक बैठा हुआ है, थोड़ा सा नोट कर रहा है लेकिन कोई ख़ास इंटरेस्ट अभी भी नहीं ले रहा। छोटा है मेरा ख्याल है, मज़ीद कुछ 2-3 दिन शायद इसको लग जाएंगे। एनीवेज, इसको ज़रा दाने में मैं छोड़ के देखता हूँ क्या होता है। नहीं, अभी उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, टाइम लग जाएगा मज़ीद थोड़ा सा। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपको दोबारा दिखाऊंगा कि जब ये सेल्फ फीडिंग स्टार्ट करेगा कि उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से खुद दाना खाना शुरू करता है और किस तरह से सेल्फ फीडिंग पे आता है। तो तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।